हाय गाइस, वेलकम बैक टू तरुण ब्लॉग्स की दुनिया। मैं हूं तरुण और मैं आज आ चुका हूं पनगोट में, जो कि नैनीताल से 12 किलोमीटर ऊपर है। सो कल रात को हमारा सडनली प्लान बना था कि हम लोग आज चलते कहीं पे चलते हैं। सो हम उत्तराखंड हमने चूज किया। नैनीताल में काफी ज्यादा क्राउड है और हमें होटल्स नहीं मिल पा रहे थे। कल आपको लेके चलते हैं पनगोट के कुछ नज़ारे दिखाने के लिए। तो गाइस पहुंच चुके हैं कैंप में, रिजॉर्ट कॉटेज बुक कर रहे थे तो कॉटेज भी चेक इन कर लिया है। तो ये देख सकते हो, दो कॉटेज हमने लिए थे, दोनों कॉटेज हमारे हैं। तो आज का पूरा दिन यहाँ मज़ेदार होने वाला है। कल निकलेंगे वापसी के लिए, एक ही दिन का है बट ठीक है, एक दिन में ही काफ़ी कुछ करने वाले हैं। अल्लाह गाड़ देंगे आज। आज की रात बॉनफायर और डीजे नाइट का। और मौसम देखो गाइस, मौसम देखो गाइस, मौसम पीछे देखो, पहाड़ ही नहीं दिख रहा। ये है हमारे कॉटेज कैंप में ही नेचर रिजॉर्ट के, दो कॉटेज हमने लिए हैं, पांच लोग हमें और बच्चे हैं हमारे साथ। सो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार अंदर से, बाहर से तो आप देखें ये चेयर लगा के दिए तीन, अभी हम टेबल लगवाएंगे यहीं पे बैठ के, आज शाम को मज़े करेंगे। सो ये इसका इंटीरियर है, इंटीरियर आपको दिखाता हूँ एक बार मैं। ये एंट्री पॉइंट है और देख सकते हैं ये है, इधर एक बेड, एक एक किंग साइज बेड। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा ड्रेसिंग टेबल मिलेगा रेडी होने के लिए, विद टीवी एंड चेयर एज वेल, एक टेबल भी है। तो ये देखें आप, फैन भी मिला हुआ है, वैसे यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ऑलरेडी यहाँ इतना ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर 20 डिग्री ऑलमोस्ट है। ठीक है, सो अब आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है मेरा, देख सकते हैं जरा, एंड साइज भी काफ़ी अच्छा है। और मेन बात है कि गीजर लगा हुआ है, सो गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ठंडा पानी काफ़ी है इस मौसम में। हम अगस्त में आए हैं फिर भी काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। सो ये इसका फ्रंट है, देखो आप सामने पहाड़ नहीं दिख रहे बिल्कुल भी क्योंकि फॉग इतना है, ठंड हो गई है बहुत ज्यादा। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू, देख सकते हैं अपन गोट का हमारे कॉटेज से व्यू। मैं अपने गेट पे खड़ा हूँ इस टाइम, मैं दिखाता हूँ अंदर से, दिखाता हूँ ये देखो गाइस, मैं गेट के अंदर से देख रहा हूँ, इतना प्यारा व्यू कहाँ मिलेगा आपको गाइस। कैंप में ही तो पहली बार आके बहुत ही अच्छा लगा और अब हम दोबारा। सो ये आपने एक्सपेक्ट किया था कि अगस्त में आपको ऐसी ठंड मिलेगी जिसमें हमें जैकेट निकालनी पड़ गई है, फुल स्लीव निकालनी पड़ गई है। गाइस ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगस्त में इतना ठंड मिलेगा, 15 डिग्री सेल्सियस है और बहुत ही अच्छा वेदर है और इस ठंड का मज़ा लेने का अपना अलग ही अनुभव है और बहुत ही सुंदर है। और जो ये जो हमारा जो ट्रिप है बहुत ही सुंदर और बहुत ही
अट्रैक्टिव होने वाला है बिल्कुल। और कल तक यहाँ बता रहे हैं कि कहते हैं यहाँ पे कल तक धूप थी, बट आज जब हम आए तो हम बारिश लेके आए, क्योंकि हम दिल्ली गाजियाबाद से आए हैं, वहाँ बहुत गर्मी थी, बट हम आज आते हैं यहाँ बारिश हुई है। बारिश होने के बाद ऐसी हवा चल रही है इस टाइम कि बता नहीं सकते आपको कितनी ठंड लग रही है। तो देख सकते हो फुल स्लीव की टी शर्ट है, उसके बाद जैकेट पहनी हमने, विंड सीटर। तो अब बस देखते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, इसके बाद 7:30 बजे से हमारी बॉनफायर स्टार्ट होने वाली है। तो बॉनफायर में तो और बॉनफायर में कुछ है डांसिंग प्रोग्राम है। ये है पनगोट यहाँ दोस्तों, देख सकते हैं 6:30 बजे हैं शाम के, मौसम कैसा हो गया ऊपर, बारिश होने की पूरी कगार है, दिन पे बारिश हुई थी, अब शाम हो गई है। तो अब ठंड देख सकते हैं आप, ठंड कितनी ज़्यादा हुई है कि अभी हमने विंड सीटर पहनी थी, और अब देखो कहते हैं जीजू हुआ हमारे, इन्होंने हाफ शर्ट के ऊपर एक फुल शर्ट डालनी पड़ेगी इनको, क्योंकि जैकेट कोई हम लोग लाए नहीं है, तो जो जिसके पास जैसा है वो पहनना पड़ा है। सो देख सकते हैं रेडी हो गए सारे के सारे, कुछ लोगों ने स्वेटर डाली है, कुछ लोगों ने शर्ट के ऊपर शर्ट डाली है, मैंने जैकेट डाली है क्योंकि मैं लेके आया था, मुझे उत्तराखंड का अंदाज़ा है बेटर कि भाई अगस्त में कैसी ठंड होती है। लास्ट ईयर हम लोगों ने कैंपिंग की थी जुलाई में, काफ़ी ठंड लगी थी, तो वही एक्सपीरियंस है, मैं जैकेट लेके आया था। सो गाइस यहीं कहीं अटक गए हम लोग, हम आपसे इतनी देर से कह रहे थे कि हम कोटे से बाहर घूमने जाने वाले हैं, बट नहीं जा पाए क्योंकि सडन मोमेंट पर बारिश हो गई। तो बारिश में एक बूढ़ी वीडियो शूट हो रहा है आपको दिखाने के लिए, देखो सब पीछे वेट कर रहे हैं, लाइट देखो कितनी अच्छी पड़ रही है क्योंकि मज़ेदार है, हमारा आईफोन शूट कर रहा है। तो बारिश हो चुकी है, अब हम कहाँ ही जाएँ, तो वापस यहीं बैठ गए, अब चाय पकौड़े मंगाते हैं और उसके बाद बैठ के यहीं इन्जॉय करते हैं। मौसम बिल्कुल भाई बहुत ब्यूटीफुल वेदर, ठंड बहुत ज़्यादा है, घूमने निकल रहे हैं हम लोग जैकेट डालकर, शुक्र है कि जैकेट के साथ आए हैं। सोया दोस्तों थोड़ी सी बारिश रुकी है, तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर कैसा लगता है और दिखाते हैं, रात हो गई काफ़ी ज़्यादा, देख सकते हो ऊपर कितना बढ़िया नज़ारा है इस टाइम का, बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की छींटे हो रहे हैं और ठंड भी लग रही है और मज़े भी आ रहे हैं, और आंधी तूफान आ गई। सो ये है पार्किंग एरिया हमारा कैंप में का, मेरी हिम्मत नहीं बड्डू पर जाने की। ये देखो गाइस 7:30 बज रहे हैं, क्या बेहतर नज़ारा है, बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो गया, बारिश हो गई, हम ऊपर जा रहे थे बट कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, वापस नीचे जा रहे हैं, तैयार हो गए थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ बारिश हो गई है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो ड्राइवर भी गाड़ी में रुकने को तैयार नहीं है, इतनी ठंड है, तो हम उसको भी एक कमरा अरेंज करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी कभी भी बीमार हो सकता है। सो वापस नीचे चल रहे हैं, बारिश हो गई तेज, पड़ गया हम लोगों को, यहाँ तो बाढ़ आने वाली है ऐसा लग रहा है, बाढ़ आ गई है, बाढ़ बहुत ज़्यादा, हालत खराब है, तबीयत खराब होने के पूरा साल है। इतने कॉटेज के बाहर बैठे हुए हम लोग, देखो बारिश चल रही है, आराम से बैठ के व्यू का मजा ले रहे हैं हम लोग, ठंड हो रही है, फुल रेडी है देखो हम लोग। सो आप देख सकते हैं हम अपने कॉटेज के बाहर बैठे हैं, बारिश काफ़ी तेज हो रही है, तो बस मैगी पार्टी चल रही है नाइट में, इंजॉय कीजिए। गाइस जैसे कि आपको लास्ट बताया था कि बारिश हो गई है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, तो देखो ये स्थिति हो जाती है पहाड़ों पर, अगर बारिश हो जाए तो ऐसे बैठ रहना पड़ता है हम लोगों को, गाने चलाने पड़ रहे हैं हमें ऐसे, और बैठे हैं यहाँ पे, आप एक भी देख सकते हो यहाँ पे इन सर का रिश्ता है, अब ये 11 साल के सर हमारे, ये इनके पाल गए सर, ये देखो क्या नाम है सर आपका, नहीं फिल्टर बॉय, क्या नाम है आपका, फिल्टर बॉय, क्या आइडिया बताओ, फॉलो करेंगे लोग आपको, किस नाम से बताओ, बताओ सर बताओ, मेरी दर का दरी। और ये देख सकते हो आप, ये देखो इन्हें मैडम को भूख लग रही है, मैगी खिलाई, अब इन्हें टॉफी दीजिए, टॉफी खिलाई, और क्या चाहिए मैडम आपको, ये मिस्टर अर्थू, सगाई जब बारिश हो जाती है तो देखो इस तरीके से इंजॉय करना पड़ता है हम लोगों को, बाहर जा नहीं सकते तो हम अपने छत के नीचे के अगर एंजॉय कर रहे हैं, तो देख सकते हो आप क्या कहते हैं, फुल मज़े चल रहे हैं, अपने पहाड़ी गाने उतरने के लगा रहे हैं हम लोगों ने, तो मज़े आ रहे हैं काफ़ी। और ये फिल्टर बॉय देखो गैस का मजा लेते हुए
ये देखो इनके देखो करंट लग गया इनको, ये देखो इन्होंने कंघी कंघी खराब कर दी हमारी, क्या कहते हैं, जल गई है कंघी, कंघी जल गई है देखो, सावास ओ गाइस एपिसोड 2 में बस इतना ही, मिलते हैं आपको एपिसोड 3 में बॉनफायर विद डीजे नाइट में। अगर आपको एपिसोड 2 पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे काम।